ओम शांति। आज का विषय है श्रीमत और साक्षी स्थिति। बाबा ने साक्षी स्थिति बनाने के लिए क्या श्रीमत दी है? साक्षी स्थिति जीवन की सर्वश्रेष्ठ स्थिति है। साक्षी स्थिति जीवन की सर्वश्रेष्ठ स्थिति है, क्योंकि जब हम आत्माएं परम धाम से आते हैं तो हमारी साक्षी स्थिति होती है। हम सिर्फ देखते हैं, एंजॉय करते हैं, वह तो हमारे मन में कोई प्रश्न नहीं उठता, क्यों, क्या, कैसे। और उसी स्थिति को जाने से पहले हमें प्राप्त भी करना है, क्योंकि सब कुछ एक्यूरेट चल रहा है। हमारे मन में कोई क्वेश्चन उठता ही नहीं कि क्यों हुआ। भले हमें ड्रामा की नॉलेज नहीं होती कि ड्रामा एक्यूरेट है, परंतु हमारे को कुछ भी चीज प्रभावित नहीं करती कि हम उसके प्रति कोई भी प्रश्न उठाएं, क्योंकि सब कुछ नया होता है और आत्मा संस्कार बना हुआ है कि उसने कोई प्रश्न उठाना ही नहीं, क्योंकि संस्कार ऐसा बना हुआ है, जो संस्कार आत्मा बना कर गई है उन संस्कारों के आधार पर वो उसी साक्षी स्थिति को, मतलब एकदम कोई कुछ भी कर रहा है वो राइट हो रहा है। जिसका गायन सभी शास्त्रों में है और सभी धर्म पिताओं और धर्म गुरुओं ने भी उसका वर्णन किया है, और उसके लिए अपनी तरह का पुरुषार्थ बताया है। अपनी तरह का पुरुषार्थ भी उन्होंने अपने अपने तरीके से उनके लिए बताया है, परंतु यथार्थ ये है कि अभी तक परम धाम से आने के बाद उस साक्षी स्थिति में कोई नहीं बन सकता। सच्चाई ये है कि बल कितने भी गुरु, कितने भी बड़े संत, धर्म पिताएं, महात्माएं, पैगंबर आए, साक्षी दृष्टि के लिए उन्होंने अपनी विधियां बताई, परंतु कमाल की बात है कि कोई भी साक्षी दृष्टा बन नहीं सका। जब बच्चा पैदा होता है, जब पैदा होता है तब उसे सिर्फ देखता रहता, उसे पता ही नहीं क्या है, क्या है, ठीक नहीं। यहां तो लक्ष्मी नारायण एकदम प्रौढ़ अवस्था में आए हैं, उन्हें कोई क्वेश्चन नहीं उठता कि ये क्यों हो रहा है, क्योंकि वो तो आते ही बड़े हैं, क्योंकि उनको संस्कार बना हुआ है जो कुछ हो रहा है अच्छा, परंतु ये उन्हें याद नहीं होता कि हम जो कुछ हो रहा है अच्छा, वो उनके संस्कार में है कि हमने कोई भी क्वेश्चन, हाँ, बात ही नहीं होती। वहां पर आते ही वही हैं और उनका जो संस्कार होते हैं वो कभी किसी पर कोई भी उंगली नहीं उठाते, कोई क्वेश्चन नहीं उठाते, तो वो अवस्था फिर कभी नहीं बन सकती। जब तक परमपिता परमात्मा ना आए उस अवस्था को बनाना सिखाने के लिए, साक्षी स्थिति के लिए यथार्थ ज्ञान और उसके लिए पुरुषार्थ बाबा ने ही बताया है और कोई बता ही नहीं सकता। और उस स्थिति में स्थित होने के लिए श्रीमत भी दी है। विश्व नाटक का
यथार्थ ज्ञान ही साक्षी बनने का बनने की साक्षी स्थिति का एकमात्र आधार है, क्योंकि सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान मिल जाए, यथार्थ ज्ञान मिल जाए, तभी साक्षी स्थिति बन सकती है। साक्षी स्थिति जीवन की श्रेष्ठ स्थिति है, जिसके तरफ प्राय सभी महापुरुषों ने ध्यान खिंचवाया और अपनी अपनी तरह से उस स्थिति को बनाने का उपदेश भी दिया है, परंतु वे स्थिति सदा काल, थोड़ी देर के लिए बना लेते, सदा काल किसकी बनी नहीं। साक्षी स्थिति कैसे बने, उसके लिए सत्य ज्ञान आवश्यक है। उसका ज्ञान और विधि विधान अभी बाबा ने बताया है, जिसके आधार पर ही साक्षी स्थिति संभव है। बाबा ने हमको जो विश्व नाटक का ज्ञान दिया, कर्म के विधि विधान का ज्ञान दिया, उसके आधार पर ही साक्षी स्थिति बनती है। बाबा ने उसकी श्रीमत भी दी है, और उस स्थिति में स्थित होने के लिए, पुरुषार्थ करने के लिए बाबा ने कहा है, जब तुम इस विश्व नाटक को साक्षी होकर देखो। अब तुम इस विश्व नाटक को क्या करो, साक्षी होकर देखो, और जब साक्षी होकर देखेंगे तब ही इसका यथार्थ सुख अनुभव कर सकेंगे। सच्चा सुख तभी अनुभव होगा जब इस नाटक को कैसे देखेंगे, साक्षी होकर देखेंगे। साक्षी होकर देखने की विधि बाबा हमें आकर बड़े वंडरफुल तरीके से समझाते हैं, जिसके लिए छोटे छोटे वीडियोस आपको गाइड करेंगे, जिन वीडियोस को देखकर आप अच्छी तरह समझ सकेंगे कि कैसे परमात्मा आकर हमें साक्षी दृष्टा बनना सिखाते हैं। और अच्छी तरह से समझना हो तो प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के किसी भी सेवा केंद्र पर संपर्क करें, और यदि कोई प्रश्न है तो 9213106986 पर केवल टेलीग्राम करें, 9650692270 पर केवल व्हाट्सएप करें, फोन नहीं। ओम शांति।